जब मन बुद्धि चित्त और जीवात्मा साफ नहीं होगी तो साक्षात्कार कैसे होगा। इसी के लिए हम लोग जंगलों में तीर्थों में जाया करते थे। चलो भाई आज इस तीर्थ में चलेंगे, आज पर्व लगा हुआ, वहाँ महात्माओं का दर्शन होगा और उनका सत्संग सुनने को मिलेगा, बहुत उच्च कोटि के महात्मा मिलेंगे। तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी द्वारका चले गए, कभी मथुरा और काशी चले गए, महात्माओं का दर्शन। इस मंदिर में गए बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस मंदिर में गए बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस आश्रम में गए यहाँ सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे। इसीलिए दर्शन करने के लिए जाते थे कि भाई कहीं चलते फिरते संतों महात्माओं का दर्शन योगियों का होगा तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए आप इस मनुष्य जीवन में आए, तो इच्छा तो आपके अंदर है दर्शन करने की, इच्छा तो कल्याण की है, इच्छा तो प्रभु को देखने की है, इच्छा मुक्ति की है, इच्छा जन्म मरण से बचने की है, 84 नरकों से छूटने की इच्छा है। लेकिन जीव बेचारा भूत से यहाँ फंस गया, इसको कोई रास्ता दिखाने वाला, धर्म उपदेश इसको सही बात बताने वाला कोई मिलता नहीं है, इसलिए इसका सारा जीवन और सारा समय इसका यूं ही चला जाता है। और वो अपने घर के उसी झंझट कामों में, वो ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में इसमें फंसा रहता है। और एक दिन वक्त आया कि उसके सामने मौत आई और लेकर के चली गई, बस हो गया काम खत्म, यहाँ क्या अपना था कुछ नहीं। तो बाबा जी एक सुगम सीधा सरल रास्ता नर नारियों को बताया करते हैं और ये कहा करते हैं, देखो बच्चा चोर घर में रहेगा तो बाप को अच्छा तो कभी लगेगा नहीं, बाप को यही कहेगा कि अरे बच्चे तुम चोरी करते हो तो हमारा भी नाम दुबा दोगे और तुमको भी तकलीफ होगी और कभी कोई आएगा पकड़ लेगा तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसी तरह से महात्मा सारी सृष्टि में अपना बच्चा समझते हैं, सबको कहते हैं देखो गलती मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, किसी को मार मत देना, किसी का कत्ल मत कर देना, ये सब बुराइयां, शराब मत पीना, मांस को मत खाना, तुम अंडे मत खाना, ये सब खान जितने भी हैं खाने के अशुद्ध सामानों को तुम बोलते जो बुद्धि खराब हो जाएगी, चित्त हो जाएगा खराब, मन चंचल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ वो अहंकार जग जाएगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। तो महात्मा बाहर की धीरे धीरे शिक्षा देते हैं, जब मजबूत कर लेते हैं तो उसको आत्म शिक्षा देते हैं साधना करने की, फिर जब वो आत्म साधना में लग जाता है तो आत्म सिद्धि हो जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, उसको आनंद मिलता है, तो उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इसी लोक परलोक बनाने के लिए हम लोग इस मनुष्य रूपी मकान में आए थे और रामायण पढ़ते थे कि हमारा लोक बनेगा परलोक भी बन जाएगा, गीता को भी सुनते कि लोक बनेगा परलोक बनेगा, और जब तब तीर्थ करते हैं कि लोक परलोक बन जाए। लेकिन अब आप नहीं जानते हो तो भाई महात्मा क्या करें, महात्मा तो आपको जब नहीं मिलते हैं तो अपना रास्ता बदल गया। अब यह तो गलती है आपकी या महात्माओं की गलती है कि हमको आकर के उनको अपना धर्म उपदेश देना चाहिए, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते, बुरी बातों को हमको जो हम उसमें फंसे थे छुड़ा लेते, तो आज अच्छे रास्ते पर तो जीवन हमारा सुखमयी शांतमयी गांव गांव में परिवार परिवार में बन जाता, हम निरोगी हो जाते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे के काम आते, सब में प्रेम होता और सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते। तो ये इस तरह के संकट आपके सामने जो द्वंद्व लड़ाई झगड़ों के हो रहे हैं वो नहीं आपके सामने आते, लेकिन आपने ये सोचा कि महात्माओं की क्या जरूरत है, महात्माओं की तो इतनी जरूरत जितनी माता पिता की जरूरत नहीं, महात्माओं की इतनी जरूरत है जितनी राजा की जरूरत नहीं, महात्माओं की तो इतनी जरूरत है कि कपड़े न पहनो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन महात्मा मिलना चाहिए क्योंकि इससे तो सभी काम बनेंगे। इधर आपको ये भी बन जाएगा कि कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहना है, किस काम के लिए आए हो, क्यों कपड़ा पहना जाता है, क्यों खाना खाया जाता है, मनुष्य रूपी मकान में कौन रहता है, ये सब चीजें आपको महात्माओं के द्वारा मालूम हो जाएंगी। तो अंतिम लक्ष्य तो आपको अपने कल्याण का ही प्राप्त करना है, अपने है घर को ही पाना, घर छोड़ दिया प्रदेश में आकर के मारे मारे फिरते हो। तो इसलिए नरनारी बच्चे बच्चियों, अब आपको ये तो जान करके दुख होता ही है कि सारा संसार इस समय पर नष्ट भ्रष्ट मानो हो गया, और नष्ट भ्रष्ट होने से जब खान पान खराब हो गया तो बुद्धि में अविवेक नहीं रह गया, बुद्धि हो गई मैली, और मैली बुद्धि से अब लोग कुकर्म करने लगे, और कुकर्म करने से बीमारी लड़ाई झगड़ा अशांति ये आनी जरूरी है, ये तो समाज घर में ये आ गई। अब अगर आप इस बीमारी से जो तरह तरह की बीमारी लग गई, तरह तरह का प्लास्टिक लग गया, तरह तरह की जहरीली हवाएं जो आ रही, इससे आप बचना चाहते हो तो रामायण में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ कि जीवन के कष्ट और कलेश से यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान का भजन आपको करना होगा, ईश्वर का भजन आपको करना होगा। और कब की जो महात्मा आपको ईश्वर का भजन बता दें कि ये परमात्मा का भजन है उसको करने लगे तो ये सब व्याधि संकट आपका दूर हो जाए, और फिर आपको किस तरह की शांति, आपको किस तरह की आपको शुद्धि आप में आ जाए, कैसे आप अपने यानी आत्मा को जीवात्मा को आप जगा सकते हो। लेकिन जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये सब संकट आपके सामने आए। और आप लोग जो है जब कभी महात्माओं की बात सुनते हैं तो बुराई में लग जाते हैं, आपको क्या मिलेगा बुराई करने से,
या बुराई सुनने से आपको क्या मिलेगा? दूसरे की बुराई सुनोगे, दूसरे की बुराई करोगे और सिर पर अपने पाप लगेंगे। अरे रामायण में गीता में तो लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट, कभी दूसरे की बुराई सुनना ही नहीं, न बुराई को करना। अरे जितनी हो सके किसी की अच्छाई करो और जो हो सके किसी की भलाई करो, किसी की सेवा कर दो। तो तुम अगर हो सकता है तो सत्य बोलो, क्यों गाली किसी को देते हो? तो मनुष्य जिस काम के लिए आया और मनुष्य इतना ज्ञानवान वो काम तो करता नहीं है, अज्ञानी काम करने लगा और ऊपर से गंदगी को लादते लादते इतने दिन हो गए, इस गंदगी को दूर कौन कर सकता है? अब तो ये आप सोचना समझना चाहिए, बाहर के पानी से आप चाहते हो कि गंदगी दूर हो जाएगी तो बाहर के पानी से तो गंदगी दूर होगी नहीं, वो तो महात्माओं के पास में निर्मल जल होता है। आत्मसिद्धि का जब निर्मल जल होता है महात्माओं के पास में और वो जब जल छिड़का जाता है तो आत्मशुद्धि करता है और वो गंदगी को दूर कर देता है, धोकर के साफ करता है। तो ये जीवात्माएं निर्मल पवित्र इस मनुष्य रूपी मकान में होती हैं, तभी ये कृतार्थ हो सकेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब तो ये तरह तरह के कष्ट आपके सामने आए। तो मेरे कहने का मतलब यही कि हम तो आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे ही, क्योंकि हमने यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं रखा किसी तरह का, मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अर्जन हो, कोई किसी भी जात का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो इससे है कि मन सोना चाहिए। जब पैदा हुए थे तो नंगे, पैदा हुए थे तो रो रहे थे, पैदा हुए थे ना पढ़े थे, ना आप कपड़ा पहन सकते थे, ना किसी को पहचान सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब बड़े हुए और बुद्धि जगी और आपको परिचय ये कराया गया सब कुछ, तो कपड़ा भी पहनने लगे, शर्म भी आने लगा, खाना भी खाने लगे और उठने भी लगे और सुनने भी लगे और बात भी करने लगे और दूसरे की इज्जत और सेवा भी करने लगे। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो कपड़ा भी भूल गए, खाना भी भूल गए, उठना भी भूल गए, बोलना भी भूल गए, देखना भी भूल गए। क्यों? कि जब आए थे तो कुछ नहीं लेकर आए, न कुछ समझ लेकर आए, जब जाने लगे तो ये सब कपड़े उतार दिए, सारा संसार का ज्ञान ध्यान खत्म हो गया, सब पहचान खत्म हो गई। जब मरने लगता है तो सब पहचान खत्म, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ आपको छोड़ करके यही जाना है इसी जगह, खाली आपको जाना, ये भी मनुष्य रूपी कपड़ा उतार दिया जाएगा आपका और ऐसी अवस्था में भेज दिया जाएगा। इसके अंदर कौन रहता था, किस तरफ से निकल करके चला गया, ये आपको कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसी को जानने के लिए ये मनुष्य रूपी कपड़ा आपको मिला है और इसमें बैठ करके आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। पहचानोगे महात्माओं की कृपा से, दया से, तो सारा काम और जीवन सफल बन जाएगा और जिस लिए आए थे वो काम हो गया आपका। नहीं तो ऐसे न मालूम अनेकों और करोड़ों जन्म आपने धारण किए हैं और फिर भी अभी तक काम कुछ नहीं हो सका, यही रोना रोते रहे जन्म मरण का, नरकों और चौरासी का। तो रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो दो संदेह नहीं, सीधा बताऊंगा, साधारण बताऊंगा, ऊंचा बताऊंगा। चारपाई पर करो, जमीन में बैठ के करो, रजाई ओढ़ के करो, कम्बल ओढ़ के करो, पहले खेती करो, बाद में बच्चों की सेवा करो। जब कोई काम तुम्हारे पास ना हो तो भगवान का भजन 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट करके बैठ करके, समझ गए, पैर लटका करके, जैसे भी बन जाए वैसे कर लो तो काम तुम्हारा ये बन जाए चलते चलाते, नहीं तो आगे बड़ी मार पड़ेगी और नरकों की अग्नि में वहां जब जलाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, काटे जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, सड़ाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, भूख प्यास लगेगी तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। वहां इतनी यातनाएं जंदूत सिपाही देते हैं कि वहां हाहाकार जीवात्माएं करती है, रोते चिल्लाते रहते हैं और ये रोज घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब तुमको वो ज्ञान मिलेगा, जब तुमको ज्ञान चक्षु मिलेगा, जब दिव्य नेत्र तुमको मिलेगा, जब तुम्हारा खुल जाएगा और मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके जब देखोगे कि जीवात्माएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे डाली जाती हैं और कहां इनका हिसाब होता है, न्याय इनका कहां होता, कौन इनको मारता है, किस तरह से मारता है, कहां इनको जलाता है, सब आदमी कांपता है और डरता है। और पुस्तकों में फिर महात्माओं ने लिखा कि हे जीवो, हे मनुष्यों, ये ऐसी दुर्गत आत्माओं की होती है, तुम बुरे कामों को अब करना छोड़ दो। अभी तक जो कुछ किया तो किया, अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया जो कुछ करना था, यानी इन 27 वर्षों में जितने भी बुरे से बुरे काम करने थे आपने सब किए, उससे तो आपने हार मानी नहीं। लेकिन मिला आपको क्या, ये सोच लो 27 वर्षों में ये सोचा था कि महात्मा की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत नहीं, सत्य की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत नहीं, माता पिता के सेवा की जरूरत नहीं, बड़ों की इज्जत की जरूरत नहीं। आपने इन सब बंधनों को जो सामाजिक थे, घर के थे, परिवार और मनुष्य के थे, उन सब को तोड़ दिया। सोचने लगे चलो भाई अब बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, सीता रामायण का क्या बंधन महात्माओं का और देवताओं का, तो चलो बड़ा आनंद मिल जाएगा। आपने सब कुछ किया और करने के बाद आपको मिला क्या, ये आपको सोचना है।